हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे। जो जो इंडिया में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनकी बात करेंगे। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इनके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और ये इस टॉपिक का हमारा पार्ट टू है। इससे पहले हम पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसमें जितने भी स्टेट्स के हमने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर किए हैं वो सारी की सारी हमने ट्रिक के माध्यम से कराई थी। बट कहते हैं कि ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आई थी कि भाई बिना ट्रिक के ये टॉपिक कराया जाए। तो यहाँ पे देखिए, आज जो बचे हुए जितने स्टेट्स हैं जिनके हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में, वो सारे आज हमने यहाँ पे बिना ट्रिक के लिए हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। आज के इस वीडियो में पूरा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, सभी स्टेट्स का यहाँ पे करा देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, मतलब कि कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम डाल देंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम टॉप टॉप जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस रखेंगे, 50 क्वेश्चंस, और वो 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे ही होंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। और उनमें होगा क्या कि वो क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चंस होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि उन्हीं में से आपको कोई भी एग्जाम आप फेस करोगे तो उसमें वो क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में। तो देखो, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो जो नेशनल पार्क्स हैं उनका आप देख सकते हो, कौन सा है, पापिकोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। इसमें से इम्पोर्टेंट है राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क, ये है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, और इसमें से इम्पोर्टेंट है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले गोवा के बारे में, और गोवा की बात करें तो भगवान महावीर सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा में, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गोवा में, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क, ये मोलम नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कहाँ पे, गोवा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गुजरात के बारे में। देखो, ये गुजरात की बात करें तो इसमें जो जो काफ़ी सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और इसमें से डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। देखो, मरीन नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, कहाँ पे, गुजरात में। फिर जैसोर सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है क्या है, जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रामपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और रतनमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सूल पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है यहाँ पे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। तो देखो, इनमें से यहाँ पे है इम्पोर्टेंट एक तो ये मरीन नेशनल पार्क, एक जैसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में और भी है, कौन सा है, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर है बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, हिंदी में हम बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, और नेशनल पार्क को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वालों को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम हिंदी में एक एक चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। तो जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कच्छ डेजर्ट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पे मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि मिटियाला वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर थोल बर्ड सेंचुरी और वनसाड़ा नेशनल पार्क यानी कि वनसाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, गुजरात में है, और जो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है गुजरात में। फिर वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एस सेंचुरी है यानी कि जो वाइल्ड एस वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी है गुजरात में। तो देखो, इनमें से यहाँ पे जो मैंने टिक किए हैं, एक तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक वनसाड़ा नेशनल पार्क यानी कि वनसाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य वाइल्ड एस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। और देखो, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर इंदर किला नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है,
और क्या है, खीरगंगा नेशनल पार्क और है सिंबल बारा नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क को मैंने बोल दिया कि हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, और देखो ये आगे का नाम है इंदर किला, इंदर किला ही लिखा मिलेगा हिंदी में, और इंदर किला राष्ट्रीय, क्वेश्चन आएगा कि जो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। वहां पे आपको चार ऑप्शन होंगे और उनमें से एक स्टेट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो दाचीगम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है यानी कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, तो हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो झारखंड की बात करें तो बैटला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैटला राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड में है। इसके अलावा ये दीमना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, हजारीबाग नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो इन तीनों में से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बैटला राष्ट्रीय उद्यान। आप चाहो तो देखो इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना हो, देखो हर स्टेट के नेशनल पार्क है उनके हम ट्रिक्स दे सकते हैं, बट यहाँ डिमांड हुई थी कि सिंपल कराने की, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल रखे हैं विदाउट एनी ट्रिक। अब देखो अगर आपको ट्रिक से याद करना हो इसको, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको आप सभी को पता है कि कौन है महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी है कहाँ के, झारखंड के, कहाँ के, झारखंड में। अब वो भाई क्रिकेटर है, क्रिकेटर है तो ऑब्वियस की बात है बैट तो, बैट से तो रिलेशन है ही है उनका, तो बैट को रिलेट करो महेंद्र सिंह धोनी से। ठीक है, कहाँ के हैं, झारखंड के हैं, तो झारखंड में क्या है, बैटला नेशनल पार्क। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क यानी कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि है कर्नाटक में, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और नेक्स्ट है यहाँ पे बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, फिर कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तो इनमें से तो देखो बांदीपुर है ये काफी इंपॉर्टेंट है और कुद्रेमुख है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे केरल के बारे में यानी कि केरला के बारे में। तो यहाँ पे देखिए केरल की बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पे देखो इराविकुलम नेशनल पार्क है यानी कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और है माटिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरियार नेशनल पार्क कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो हमारा आंसर होगा केरल में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में किस राज्य में स्थित है, तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा केरल, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनामुडी 16 नेशनल पार्क हो गया, और है पमडम 16 नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे, केरल में। तो केरल में से ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला हम यहाँ बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में देखने को मिले, कौन कौन से वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पूछा जाता है ये। ठीक है, फिर है मांडला प्लांट फोशल नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है गाइस, मध्य प्रदेश में, और ये पूछा जाता है, तो यहाँ जो मैं टिक कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है माडव नेशनल पार्क यानी कि माडव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है, और पंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो पंच और जो ये पन्ना है ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, फिर संजय नेशनल पार्क हो गया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वन विहार नेशनल पार्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मध्य प्रदेश है, इसमें से आप देख सकते हो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो इंपॉर्टेंट है और बार बार किसी ना किसी पेपर में देखने को मिले, कौन कौन से, एक तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एक है पंच राष्ट्रीय उद्यान, और एक है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली है। अब हम मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मणिपुर की हम बात करें तो यहाँ पे है क्या है, योंगो पोकपी लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो ये कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, ये पूछा जाता है, और एक है सिरोही नेशनल पार्क, तो इनमें से इन तीनों में से यही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो ग्रेट इंडियन बास्टर सेंचुरी, ठीक है, ग्रेट इंडियन बास्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क है, चांदोली नेशनल पार्क है, राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि राधा नगरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, अनिर्धाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी महाराष्ट्र में है, और तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो इनमें से तो यही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बास्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट ये देखते हैं महाराष्ट्र में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो देख लेते हैं कौन सी है, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर है भामरागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुगामल नेशनल पार्क है, और है पेन गंगा ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर है नाजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जैकवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैंने बता दिया है, हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे सागरेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और है टाइपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भी है महाराष्ट्र में, और फिर है तुंगरेश्वर नेशनल पार्क ये यानी कि तुंगरेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट कौन सा है ये मैं दिखा चुकी हूँ यहाँ पे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला। अब आगे हम देख लेते हैं मेघालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो बालपाक्रम नेशनल पार्क है यानी कि बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, मेघालय में, और एक है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं, तो मिजोरम में से जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ये है मिजोरम में जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक है फाहुनगुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट यहाँ हम बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की मैं बात करूँ तो नागालैंड है इसमें फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके अलावा कौन सा है, देखो यहाँ दो दो बार हो गया तो इसको एक बार कट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटंकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और है नटंकी नेशनल पार्क यानी कि जो नटंकी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे है, नागालैंड में है, और ये पूले बर्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी है नागालैंड में। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। देखो दर्रा नेशनल पार्क है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो कियो लड़ियो और नेशनल पार्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे ये है, भरतपुर में है राजस्थान में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें अन्य मध्य के कई प्रजाति के बहुत अनेक प्रकार प्रजाति के यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं, बर्ड सेंचुरी है। फिर है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में, इम्पोर्टेंट है। और सरिस्का नेशनल पार्क यानी कि सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम इसे कह सकते हैं, ये टाइगर रिजर्व है एक तरह से, ठीक है, और कहाँ पे, अलवर में है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो राजस्थान में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, एक तो दर्रा नेशनल पार्क जिसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान, फिर है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और फिर है कियो लड़ियो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेक्स्ट है यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में, तो पंजाब में हरी के वेटलैंड है, और सिक्किम की बात करें तो देखो सिक्किम में जो कंचन जोंगा नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, सिक्किम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु में देखो मधुमलाई नेशनल पार्क यानी कि मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, इसको कई बार ही पूछा गया है अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से, देखो या तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से पूछेगा यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। फिर है गुंडे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तमिलनाडु की बात करें तो इसमें से मधुमलाई और ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क यानी कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे हिंदी में, और है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है कहाँ पे, तमिलनाडु में ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में,
त्रिपुरा में बायसन नेशनल पार्क। देखो त्रिपुरा में ये दोनों दो नेशनल पार्क है, दो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर की हैं। तो बायसन राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछे गए इसमें से। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है। एक तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में, ठीक है, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कह देंगे, कहाँ पे? उत्तराखंड में है। फिर गोविंद पशु विहार, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से राज्य में स्थित है भारत में? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी भी इंपॉर्टेंट है। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक तो ये मैं डाक डाक कर रही हूँ, एक तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, एक नंदा देवी और एक जिम कॉर्बेट, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ही हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ तो देखो गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और ये बक्सा नेशनल पार्क, ये भी है वेस्ट बंगाल में। नियोरा वैली नेशनल पार्क हुआ, यानी कि नियोरा वैली जो राष्ट्रीय उद्यान हुआ। फिर है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और सुंदरबंस नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे हैं कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जिनमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क, और हिंदी में कहेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। देखिए इसी मतलब कि ये सारे स्टेट हैं जिनमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर करा दी। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है, और अब हम इस टॉपिक पे क्या करने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और वो सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, उन सभी में इसको शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही घंटी के चिन्ह को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।